हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ एनोमर्स। तो अभी जैसा कि हम लेक्चर 4 में देखे थे कि हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो एनोमर्स जो है वो मोनोसेकेराइड्स में ही आता है। हमें आगे देखना है कि मोनोसेकेराइड्स में एनोमर्स क्या होते हैं और एपिमर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो हमें देखना है एनोमर्स क्या होते हैं, राइट। तो बेटा सबसे पहले आप याद रखो कि एनोमर्स जो है वो हम कार्बन नंबर 1 को बोलते हैं, कि जो कार्बन नंबर 1 होता है उसको हम एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 में एक्चुअली हम देखते हैं, जैसे सपोज ये कार्बन नंबर 1 है तो इसमें हम देखते हैं कि H ऊपर है, OH नीचे है, या फिर OH ऊपर है और H नीचे है। ऊपर का मतलब होता है हम बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन, OH नीचे का मतलब हम बोलते हैं इन द प्लेन, मतलब प्लेन के आउट है, प्लेन के इन है, या फिर H जैसे यहाँ पर देखो H ऊपर है ना, मतलब प्लेन के आउट है, और OH का है प्लेन के इन है, ठीक। और या फिर उल्टा हो सकता है, OH आउट हो सकता है और H क्या हो सकता है, इन हो सकता है। नीचे वाले को हम इन द प्लेन बोलते हैं और ऊपर वाले को हम आउट द प्लेन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर देखो C1 में यहाँ पर ये H जो है वो आउट द प्लेन है, ठीक है, और जो OH है वो इन द प्लेन है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, पोजीशन चेंज कर दें, तो OH क्या हो जाएगा, आउट द प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल सी ये है तो हम इसको OH ऊपर कर दें, यानी कि ये आउट प्लेन हो गया, और H क्या कर दें, नीचे, यानी कि ये क्या हो गया, इन द प्लेन। तो हम ये देखते हैं कि कार्बन नंबर 1 में H और OH की पोजीशन कैसी है, इन द प्लेन है कि आउट द प्लेन है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी कार्बन को जिसमें हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं H और OH की, इस कार्बन नंबर 1 को, ये हमेशा कार्बन नंबर 1 ही होता है, इस कार्बन नंबर 1 को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज को डालते हैं तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, दिस इज अ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और अब हमें इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में पोजीशन देखनी है कि कार्बन नंबर 1 पर H और OH किस तरह से अरेंज है, या तो H आउट द प्लेन होगा या H इन द प्लेन होगा, या OH इन द प्लेन होगा या OH आउट द प्लेन होगा। तो H और OH किस तरह से अरेंज है, इसी कार्बन को जिसमें हम H और OH की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसी कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, और इसी को हम एनोमेरिक कार्बन या हेमी एसिटिल कार्बन बोलते हैं, राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने ग्लूकोज है इसमें, 6 ग्लूकोज है ना। तो ये 6 ग्लूकोज में H और OH है, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में सारे H हैं, और ग्लूकोज के केवल थर्ड पोजिशन पर चेंज होता है, जो इसकी थर्ड पोजीशन होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें OH मिलता है और राइट हैंड साइड में हमें H मिलता है, बाकी सब जगह पर हमें H OH H लेफ्ट में मिलेगा और OH राइट में मिलेगा। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था कि इसमें हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, यानी कि OH ग्रुप बहुत सारे मिलेंगे, तो या तो हमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड मिलेगा, CHO क्या होता है, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या फिर हमें कौन सा ग्रुप मिलेगा, सी डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप, है ना। तो या तो हमें कीटोन ग्रुप मिलेगा या फिर हमें ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमें ग्लूकोज में मिलता है, और जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमें फ्रुक्टोज में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा रिंग साइक्लिक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रेट स्ट्रक्चर को हम किस तरह से रिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे इसको हम देखते हैं, ठीक है। हमें इसकी दो फॉर्म बनानी है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। ये देखो ये अल्फा फॉर्म बनी हुई है और ये बीटा फॉर्म बनी है। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रेट, ये आपको स्ट्रेट लर्न करनी है, ठीक है। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रेट चेन है उसको किस तरह से कन्वर्ट करके हमने उसकी दो फॉर्म बना रखी है, ठीक है। देखो कार्बन नंबर 1 ये भी है, कार्बन नंबर 1 ये भी है, यहाँ पर H जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, OH इन द प्लेन है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 में OH आउट ऑफ द प्लेन है और H इन द प्लेन है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 में H और OH की पोजीशन क्या हो रही है बेटा, डिफरेंट हो रही है, यहाँ पर H ऊपर है, यहाँ पर OH ऊपर है। इसी कार्बन नंबर 1 को जिसमें OH और H की पोजीशन क्या होती है, इन द प्लेन आउट द प्लेन होती है, ऊपर को बोलते हैं आउट द प्लेन, नीचे को बोलते हैं इन द प्लेन,
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी कार्बन नंबर वन को क्या बोलते हैं, हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं या फिर हम इसको हेमी एसिटिल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अगर एक लर्न करने का फंडा है, देखो अभी तो हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा फॉर्म बनती कैसे है, लेकिन इसका एक लर्न करने का तरीका है, अगर आपको OH नीचे मिल रहा है तो वो हमेशा अल्फा फॉर्म होगी, और अगर आपको H नीचे मिल रहा है तो वो हमेशा बीटा फॉर्म होगी। मतलब अल्फा फॉर्म हमेशा, अल्फा फॉर्म में हमेशा OH जो होता है वो इन द प्लेन होता है, और बीटा फॉर्म में हमेशा जो OH होता है वो आउट द प्लेन होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेट चेन जो है उससे अल्फा और बीटा फॉर्म बनी कैसे। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो ये हमारा स्ट्रेट चेन है, ठीक है, सॉरी ये फ्रक्टोज का है, ये देखो ये हमारे स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, देखो ये क्या है, इसका एल्डिहाइड ग्रुप सेम एज इट इज, जैसा कि स्ट्रक्चर ये बनाया था वही स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो ये कौन सा ग्रुप है, मैंने पहले बताया था आपको कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, तो बेटा CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये कार्बन नंबर वन है, ठीक है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, आप ध्यान से देखना, और ये सिक्स है। तो हमारे पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब आप देखो ये जो CHO है इसमें जो ये ऑक्सीजन है ये क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसमें ये स्लाइटली नेगेटिव है। आपको पता है ऑक्सीजन पे स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस पे जो चार्ज होता है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या करेगा, 5 का, अब 5 पर ये देखो ये जो OH ग्रुप है इसका जो ये H है, O क्या है नेगेटिव और H क्या है पॉजिटिव, तो H पर कौन सा चार्ज होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये जो H होगा, ठीक है, ये इस वाले O के साथ जाकर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री का रूल होता है कि कभी भी टर्मिनल, सबसे, अब तुम सोचोगे कि सबसे लास्ट में क्यों नहीं किया, तो ये केमिस्ट्री का रूल होता है कि टर्मिनल वाले से हम कभी भी बॉन्डिंग नहीं करते। ठीक है, अब और करके मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे यहां पर लिखा है ना CHHOH, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2OH। तो ये देखो यहां पर हमने किस तरह से लिख दिया इसको CH2OH, देखो C और दो H है तो CH2 और क्या बचा OH, तो हमने इसको लिख दिया OH। टर्मिनल वाले को, कार्बन नंबर 6 को हमने इस तरह से ना लिख कर, ठीक है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक, अब आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि 5th नंबर का जो H है वो पहला फंक्शनल ग्रुप, पहला कार्बन, मैंने बताया था ना अभी आपको कि पहला कार्बन होगा वो एनोमेरिक कार्बन होगा, तो पहले कार्बन का जो O होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां देखो ये H जो है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, तो ये कार्बन नंबर 5 का जो H है वो किसके साथ जाकर जाने की कोशिश करेगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन ग्रुप के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, अभी तक इस पे क्या था, O था ना, ठीक है, अब ये H भी आ जाएगा, इसके पास चला जाएगा H, तो ये देखो ये आ गया OH। ठीक है, अब कार्बन नंबर 5 पे क्या होगा, कार्बन नंबर 5 का H जो था वो ऊपर चला गया है ना, तो यहां पर क्या बचेगा, O, तो ये जो O था इसने अपना H किसको दिया था, 1 को, तो ये जो अपना O है ये 5th से लेकर 1 तक ड्रॉ होगा, इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटिल ग्रुप। ठीक है, यहां पर देखो इस स्ट्रक्चर को, ये OH हो गया, जो 5th नंबर का H था वो कहां आ गया, ये कार्बन नंबर 5 है ना, ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 है, तो इसका जो H था वो कहां जाके जुड़ गया, कार्बन नंबर 1 पर। ठीक है, यहां देखो ना कार्बन नंबर 1 पे क्या था, खाली ऑक्सीजन ग्रुप था, अब इसके साथ ये वाला H भी आ जाएगा, तो ये आ गया OH। ठीक है, अब यहां पर 5th में क्या बचा, खाली O, तो हम इस O को कैसे ड्रॉ करेंगे, 5th से पूरा लेकर आएंगे और 1 तक, क्योंकि ये जो इसने अपना जो H था, 5th वाले ने जो अपना H था वो किसको डोनेट किया था, कार्बन नंबर 1 को, तो ये जो ऑक्सीजन बचा था इस ऑक्सीजन को, ये देखो ना कार्बन नंबर 5th पे क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा, H तो चला गया, इस वाले के साथ OH बन गया, अब ये जो ऑक्सीजन है इसको हम 5th से 1 तक ड्रॉ करेंगे, ये देखो
ये फिफ्थ से हमने ड्रॉ करा इस ऑक्सीजन को और कहाँ ले जाकर जोड़ दिया, वन पर जोड़ दिया। और कार्बन नंबर सिक्स को हमने इस तरह से लिख दिया CH2OH। क्लियर। अब हम इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को जो हमने बनाया था, इसको अब हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, कैसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं कि जो लेफ्ट वाला है, ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन बनाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ बनाते हैं, और जो ये राइट वाले हैं ग्रुप्स, इनको हम इन द प्लेन बनाते हैं, मतलब नीचे की तरफ बनाते हैं। ठीक है, और हमेशा जो ये सिक्स्थ पोजीशन वाला है, इस सिक्स्थ पोजीशन वाले को हम हमेशा आउट ऑफ द प्लेन बनाते हैं। ठीक है, सिक्स्थ वाले को हम हमेशा आउट ऑफ द प्लेन, इसको हम हमेशा ऊपर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, ऊपर का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये एच किसका था, फिफ्थ वाले का था, फिफ्थ वाले का जो ओ था वो पूरा वन तक आ गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, लेफ्ट वाले को हम आउट बनाएंगे और राइट वाले ग्रुप्स को हम इन बनाएंगे। तो पहले वाले में देखो एच ओ एच है, तो पहले वाले में हमने एच कहाँ है, लेफ्ट में है, तो ऊपर बनाया, ओ एच नीचे बनाया। फिर दूसरे वाले में क्या है, देखो दूसरे वाले में एच ओ एच है, तो एच ओ एच, लेफ्ट वाला ऊपर आएगा, राइट वाला नीचे आएगा। फिर हमने क्या बनाया, ओ एच एच, तो लेफ्ट में क्या है, ओ एच, तो हमेशा लेफ्ट वाला आउट आएगा और इन कौन सा आएगा, नीचे की तरफ कौन सा आएगा, एच। फिर फोर्थ नंबर पे देखो कौन सा है, एच ओ एच, तो ये आ गया हमारा एच ओ एच, यानी कि ये हो गया हमारा कार्बन नंबर वन, ये हो गया हमारा कार्बन नंबर टू, ये हो गया हमारा कार्बन नंबर थ्री, ये हो गया हमारा कार्बन नंबर फोर, और कार्बन नंबर फाइव पे क्या है, एच है केवल। ठीक है, तो लेफ्ट वाला हमेशा हम किस तरफ बनाते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। बट यहाँ पर जो हमारा CH2OH है, तो ये हम, मैंने आपको बताया था कि जो CH2OH होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। अगर ये ऊपर की तरफ बनेगा तो ये कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा CH2OH। हमेशा सिक्स वाला नंबर का जो होता है वो आउट बनता है, और ये H कौन सा वाला है, ये वाला H है, और ये ऑक्सीजन कहाँ गई, ये ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, तो अब सेम स्ट्रक्चर हमें रखना है, बाकी सारी पोजीशन हमेशा याद रखो, लेफ्ट वाला हम ऊपर बनाएंगे और राइट वाला हम हमेशा नीचे बनाएंगे, तो सारी पोजीशन हमारी सेम रखनी है, बस कार्बन नंबर वन में डिफर करना है। अगर कार्बन नंबर वन में H ऊपर है और OH नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। D का मतलब होता है, अगर हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप, देखो एक दो तीन, OH ग्रुप कहाँ है, राइट पर है, अगर OH ग्रुप राइट पर होते हैं तो D फॉर्म, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। अब ये डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी, जैसे ग्लूकोज में अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे, तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि अगर पोलराइज लाइट जो है वो ग्लूकोज के सारे फंक्शनल ग्रुप को राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ दे रही है, जैसे यहां पर मोड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे डी फॉर्म। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट सारे फंक्शनल ग्रुप को, अभी जैसे ये OH 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 बना हुआ है ना, अभी ये सारे OH हम कहाँ शो कर दें, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर शो कर देंगे, और ये वाला OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, बाकी ये जितने भी OH आ जाएंगे ये सब कहाँ आ जाएंगे, उल्टा, मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप आपको कहाँ पर लेकर आने हैं, लेफ्ट में। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट फंक्शनल ग्रुप को राइट हैंड साइड पर रोटेट कर रही है तो उसको हम डेक्स्ट्रो बोलेंगे, अगर प्लेन पोलराइज लाइट फंक्शनल ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में बदल रही है, चेंज कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, तो उसको हम एल फॉर्म बोलेंगे, यानी कि लीवो रोटेटरी बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा हमें एनोमर्स देखना है। अब ये देखो कि अगर OH नीचे हुआ, कार्बन नंबर वन पे ही डिफरेंट करना है, बाकी सब में तो वही करोगे एज इट इज, जैसे करते हो कि H लेफ्ट वाले ऊपर जाएंगे और राइट वाले नीचे जाएंगे, और हमेशा जो सिक्स नंबर का है वो ऊपर आएगा और उसके साथ जो ये H है वो नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्बन नंबर वन में अगर H ऊपर है और OH नीचे है,
अगर H ऊपर है OH नीचे है तो ये हो गई अल्फा, और अगर तुम इसका उल्टा कर दोगे OH ऊपर कर दोगे और H नीचे कर दोगे, बाकी सब सेम है, देखो H OH H OH OH H OH H OH H H OH H OH CH2OH CH2OH और ये H है ये भी H है, सब कुछ सेम है, बस कार्बन नंबर वन पर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर कार्बन नंबर वन में H ऊपर है OH नीचे है इसलिए अल्फा हो गई, यहाँ पर कार्बन नंबर वन में यहाँ पर OH ऊपर है और H नीचे है। तो आप बस एक चीज याद रखो कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नीचे मिला कार्बन नंबर वन में तो वो अल्फा है, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप कार्बन नंबर वन पर ऊपर मिला तो वो कौन सी फॉर्म हो गई, बीटा फॉर्म हो गई। और डी का मतलब क्या हुआ, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सारे कहाँ पर है, राइट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन कब बनेंगे, जब हम ग्लूकोज को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो या तो ये अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर ये बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बेटा आपके नीट एग्जाम्स में ये बहुत आता है कि अल्फा फॉर्म कौन सी होती है आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं और बीटा फॉर्म कौन सी होती है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि अल्फा फॉर्म में OH ग्रुप नीचे होता है, बीटा फॉर्म में OH ग्रुप ऊपर होता है, कहाँ पर होता है, कार्बन नंबर वन पर होता है, ठीक है। और कार्बन नंबर वन को ही हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं या फिर हैमी एसिटिल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसकी रिंग फॉर्म पढ़ी। अब देखो इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, देखो कितना हेक्सा है, ठीक है, कैसे 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर्ड रिंग है, सिक्स मेंबर्ड रिंग को मैंने आपको पहले भी बताया था क्या बोलते हैं, पायरनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि हैवॉर्थ ने बताया था, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिक्स मेंबर्ड होता है और उसको पायरनोज बोलते हैं, दो फॉर्म होती हैं अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रक्टोज को भी जब हम एक्वस में डालते हैं तो वो भी अपनी अल्फा और बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन फ्रक्टोज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, और वहां पर हमें पायरनोज सिक्स मेंबर रिंग देखने को नहीं मिलती, वहां पर हमें फाइव मेंबर रिंग देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइव मेंबर रिंग को हम फ्यूरानोस बोलते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको एनोमेरिक कार्बन समझ में आया होगा, किस तरह से हम उसकी अल्फा फॉर्म बनाते हैं और किस तरह से हम उसकी बीटा फॉर्म बनाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। बस आपको इतना अच्छे से देखना है कि इसका जो एच है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसका एच ऊपर चला जाएगा, ठीक, जिससे ये OH बन जाएगा, और इसका जो ये ऑक्सीजन है वो इस फॉर्म से आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग माय वीडियो पेशेंसली।